नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अब ये बार भारत टीवी में। आपके साथ मैं हूँ छवि फाका। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राहुवास के तहसील क्षेत्र के गांव भावंता के रहने वाले नारायण की सिलिकोसिस बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि नारायण मीणा करीब 3 वर्षों से सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित था। मृतक एसएल इंडस्ट्रीज दौसा में पत्थरों पर घड़ाई आदि का कार्य करता था, जिसके चलते उसे करीब 3 साल पहले सिलिकोसिस बीमारी ने जकड़ लिया। इस दौरान मृतक के परिवार ने बताया कि अभी तक उन्हें इंडस्ट्री के मालिक के द्वारा किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं दी गई है। अब नारायण की मृत्यु हो जाने के बाद परिवार का कोई भी सहारा नहीं रहा है, तो वहीं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु हो जाने पर नियमानुसार कागज कार्रवाई की पूर्ति होने के पश्चात नियम के अनुसार आर्थिक सहायता राशि मिलने का प्रावधान है, जिसको लेकर परिवार आर्थिक सहायता की उम्मीद कर रहा है। यार, दो से काम कर रहा था, बापी एसएल कंपनी इंडस्ट्री में, उसका शेट का नाम पप्पू था शर्मा, और ये सिलिकोसिस की वजह से मेरा भाई की मृत्यु हो गई, और ये अभी 10-15 दिन पहले मृत्यु हुई थी, और इसकी हमने FIR दर्ज कराई, पुलिस जांच कर रही है, और इसकी वजह सिलिकोस की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। सेठ ने आज तक भी हमसे समाचार नहीं पूछा क्या हाल है, क्या बच्चे कर रहे हैं उसके, तो इसकी वजह से हमने, मेरा नाम राम खिलाड़ी मीणा है, गाँव बहुता तहसील रावास। 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे बहुत गरीब परिवार है, इसकी मदद जरूर। राहुवास तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत नयावास के गांव में टोडा मीणा की कांटिया वाली ढाणी चांदपुरा गांव में व नयावास गांव की हालिया वाली ढाणी में राहुवास तहसील प्रशासन ने खातेदार के द्वारा रखे सरकारी रास्ते से अतिक्रमण के JCB से हटा दिया गया। बता दें कि तहसील प्रशासन ने सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ये अतिक्रमण हटवाया है। इस मौके पर पुलिस थाना रामगढ़ पचवारा लवाण व दौसा पुलिस लाइन का जाब्ता तैनात रहा, तो वहीं इसी दौरान राहुवास तहसीलदार हरीश भाटिया, गिरदावर राकेश कुमार शर्मा, विजेंद्र मीणा, पचवारी राम मुरारी मीणा, विमल कुमार मीणा, जितेंद्र कुमार दतोनिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आज ग्राम पंचायत नयावास में, ग्राम टोडा मीणा में, ग्राम चांदपुर में, ग्राम टोडा मीणा में कचरा नंबर 51 से लगभग 1 किलोमीटर लंबा जो रास्ता लगभग 20 सालों से अवरुद्ध हो रखा था, तथा ग्राम चांदपुर में लगभग आधे किलोमीटर लंबा जो भी रास्ता लगभग 50 सालों से अवरुद्ध हो रखा था, उसको श्रीमान तहसीलदार साहब हरीश जी भाटिया के नेतृत्व में और पुलिस जाब्ता श्री दिनेश के नेतृत्व में गिरदावर राकेश जी शर्मा, पटवारी राम मुरारी जी मीणा, सायर सिंह मीणा, विमल कुमार मीणा के नेतृत्व में खुलवाया गया है, जो कि भारी मात्रा में पब्लिक के होने से विरोध हुआ, फिर भी हमने सही तरीके से सही पैमाइश करके और रास्ते को संपूर्ण रूप से चालू करवा कर JCB से अतिक्रमण हटवा दिया गया है। आपका नाम और पता? मेरा नाम विमल कुमार मीणा, पटवारी दौड़। किशनगढ़ में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान जय राजपुताना संघ की ओर से शौर्य यात्रा में वाहन रैली निकाली गई। इस मौके पर अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके शौर्य को याद किया, तो वहीं इसी अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, कांग्रेस पार्षद हमीदा बानो, आमिर खान के नेतृत्व में लोगों ने रैली पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में भाजपा के नेता भंवर सिंह पलाड़ा, नगर परिषद सभापति दिनेश सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। कोटा के व्यस्त बाजार गुमानपुरा में एक 3 मंजिला व्यवसायिक बिल्डिंग में आग लग गई। आपको बता दें कि इस आग से बेकरी, बिजली की कंपनी और बैंक का ऑफिस पूरी तरह से जल गया। इसी दौरान 11 दमकलों की मदद से 3 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका, तो वहीं आग के बीच दूसरी मंजिल पर एक बैंक कर्मी फंस गया, जिसे रेस्क्यू कर नीचे उतारा गया। जानकारी के अनुसार आग बेकरी के पीछे की तरफ लगी थी, इसके साथ ही आग से भारी नुकसान होने की संभावनाएं जताई जा रही है।
कुचामन शहर के खेल स्टेडियम के पास स्थित केंद्रीय बस स्टैंड का नगर परिषद प्रशासन के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त श्रवण राम चौधरी, सभापति आसिफ खान, एएन गुप्ता, सफाई निरीक्षक रफीक खान केंद्रीय बस स्टैंड पहुंचे और वहां की मूलभूत सुविधाओं की जानकारियां ली। इस मौके पर नगर परिषद आयुक्त ने बस स्टैंड पर बनने वाली दो प्याऊ के लिए जगह चिन्हित की और साथ ही कहा कि जल्द ही प्याऊ का निर्माण किया जाएगा जिससे यात्रियों को पानी की सुविधा मिल पाएगी। तो वहीं सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई। इसके साथ ही इसी अवसर पर आयुक्त ने कहा कि बस स्टैंड परिसर के पास में जो भी अतिक्रमण के प्रयास किए जा रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।